जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। माघ मास की पूर्णिमा और उसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र और साथ ही साथ बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन कई योग एक साथ बनने के कारण ये दिन और भी ज़्यादा विशेष बन रहा है। तो इस शुभ योग के बीच यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती हैं। पूर्णिमा तिथि हर महीने में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये माघ मास की पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। माघ मास की पूर्णिमा और भी विशेष दुर्लभ योगों के बारे में पहले से दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा तो ये जानकारी आपके लिए अधूरी है। उन वीडियोस को आपके लिए देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप वाकई में इन दुर्लभ योगों को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, क्योंकि समय पर किया गया कार्य ही पूर्ण सफलता प्रदान करता है। यहाँ केवल आपको इतना बता दूं कि माघ पूर्णिमा पर वाशी योग, आयुष्मान योग, सुनफा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और साथ ही साथ सौभाग्य योग भी बन रहा है। तो देख लीजिए एक साथ कितने योग बन रहे हैं। और इस शुभ योग में अगर आपको यहाँ पर बताए गए उपाय में से कोई एक भी उपाय आपने कर लिया तो आपके वारे न्यारे हैं, क्योंकि इन शुभ योगों में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है, वो चाहे उपाय हो, नया कार्य हो, कुछ भी हो। चलिए सीधे आते हैं उपाय पर। सबसे पहले माघ पूर्णिमा है और साथ ही साथ रवि पुष्य नक्षत्र है, रविवार का दिन है, सूर्य देव का दिन है। तो माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। फिर इसके बाद श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ अवश्य करें। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी आप पर, माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। साथ ही साथ इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से कई पुराने रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं, इसी कारण नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए इसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना इतना आवश्यक है और इतना महत्वपूर्ण है। अब आप नदियों में स्नान ना कर पाए तो केवल घर में नहाते समय गंगा जल अवश्य डाल लें नहाने के जल में। यह बात कर लेते हैं कुछ धन प्राप्ति से। आपके घर में वास्तु दोषों को दूर करने और साथ ही साथ आपके घर में अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, आपके घर पर कोई नजर दोष है, इन सभी समस्याओं का हल है एक ही वस्तु। क्या है वो वस्तु? निर्गुंडी का पौधा। बहुत ही आसानी से, बड़ी ही सुलभ ये वनस्पति है, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। एक झाड़ियों के जैसा ही एक पौधा होता है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निर्गुंडी की पत्तियों को मसल कर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक खुशबू सी आती है और ये बिल्कुल तुलसी की तरह, जैसे तुलसी की लड़ियां होती हैं, तुलसी के बीज होते हैं, ठीक वैसे ही इसके ये फूल पत्तियां होते हैं। इसके फूल हल्के बैंगनी या पर्पल कलर के होते हैं। अगर ये आपके घर में हो तो अनेक संकटों से आपकी रक्षा हो सकती है। तो जिस दिन रविवार हो, और जैसा कि रविवार है, पुष्य नक्षत्र भी है, पूर्णिमा भी है, तो इस दिन एक दिन पहले, हमेशा हर वीडियो में आपको बताया गया है कि एक दिन पहले किसी भी जड़ी बूटी को लाने के लिए एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है। पूरे भाव के साथ निमंत्रण दें। निमंत्रण देना अगर आपको नहीं आता, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। निमंत्रण देने के बाद रवि पुष्य नक्षत्र में जाएं और निर्गुंडी की जड़ को पहले ही आप पता करके रख लीजिए, निर्गुंडी की जड़ कहाँ पर आपको प्राप्त होगी, और सुबह सवेरे आराम से बड़े प्यार से खोद कर इसे अपने घर ले आइए। लाकर धूप दीप आदि देकर आप
जड़ लेके आएं इतनी कि आप उसे अपने पर्स में रख सकें और साथ ही अपनी तिजोरी में भी। लेकिन रखने से पहले धूप बत्ती देकर गूगल से धूप दें, फिर इसके आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। धन आगमन में वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा आपका आने लगेगा और केवल पांच बार हनुमान चालीसा पढ़कर अगर इस जड़ को आप अभिमंत्रित करके काले कपड़े में बांधकर अपने घर के द्वार पर लटका देंगे, टांग देंगे, तो किसी भी तरह का वास्तु दोष आपके घर में है, किसी भी प्रकार की नज़र आपके घर पर लगी है, शत्रुओं का आपके घर पर किसी भी तरह से बुरा प्रभाव है, सभी प्रकार की ऐसी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। केवल पांच बार हनुमान चालीसा पढ़ें, निर्गुंडे की इस जड़ को अभिमंत्रित करें और चुपचाप रवि पुष्य नक्षत्र के ही समय में अपने घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। इसी के साथ जैसा कि आपको पहले ही बताया, अगर आपके घर में है तो नित्य हर रोज़ जल देना चाहिए। तो इस तरह से नित्य आप सम्मान के साथ किसी भी वनस्पति को रखेंगे तो वो आपके घर में धन आकर्षण का काम करती है। चलिए एक अन्य वनस्पति के बारे में बात करते हैं। ये उपाय जो मैं आप बताने जा रही हूँ ये है पुरुषों के लिए, ये केवल उन नवयुवकों के लिए है, ये उन पुरुषों के लिए है जिनको, देखिए ऐसा उपाय मैंने अभी तक नहीं बताया है और सबसे हटके है ये, क्योंकि ये एक समस्या है, ये एक समस्या है, कहें तो समस्या है नहीं तो एक बीमारी है, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। मानसिक ये एक समस्या होती है जिससे निजात पाने के लिए आपको अभी ये उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो समस्या है इस समस्या से जूझते हुए कई नव युवक डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है इस मुद्दे को उठाना, इसीलिए आज इस उपाय को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए कमल का पौधा, कमल गट्टा, कमल का पौधा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और कमल गट्टे की माला से एक भी किया गया जाप माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है। कमल गट्टे के 11 बीज पूर्णिमा की रात्रि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और अगले दिन उसे उठाकर आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन तिजोरी के स्थान पर रख देंगे तो नित्य आपके घर में धन का हमेशा स्थायी रूप से वास रहेगा। 11 कमल गट्टों के साथ अगर आप 5 गांठ हल्दी और 1 मुट्ठी साबुत धनिया और साथ ही साथ 1 शुद्ध साबुत नमक की डली लाकर रख दें और इसे फिर पीले या लाल वस्त्र में से कोई भी आप ले सकते हैं, इसे लेकर आप अपने धन स्थान में रख दीजिए। देखिए कैसे आपके घर में धन स्थायी रूप से ही स्थिर रहेगा, आपके घर में धन आगमन होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके घर में पैसे आते ही रहेंगे। तो बात मैं कर रही थी नव युवकों के लिए बड़ी ही समस्या का कारण है नाइटफॉल होना। नाइटफॉल एक ऐसी समस्या है जिसको नव युवक किसी से बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए, कमल यहाँ पर चमत्कारिक असर दिखा सकता है। कैसे, देखिए कमल का पूरा पौधा ही एक दिव्य पौधा है, क्योंकि इसे घर के ईशान कोण में एक छोटा सा तालाब बनाकर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप किसी पॉन्ड में बनाकर भी रख सकते हैं, आप इसे किसी गमले में लगाकर भी घर में रख सकते हैं। तो घर के ईशान कोण में अगर ये लगा लिया जाए, उगा लिया जाए, न केवल उस घर में वास्तु दोष दूर होते हैं बल्कि वहाँ लक्ष्मी का साक्षात निवास हो जाता है। इसी प्रकार कमल के पुष्पों के दल पत्र को, कमल के जो फूल होते हैं इन दल पत्रों को बिस्तर के नीचे रख कर सोने से जिन व्यक्तियों को, नव युवकों को या किसी भी पुरुष को नाइटफॉल की समस्या होती है, उनकी ये समस्या, नाइटफॉल से पीड़ित युवकों के लिए ये एक दिव्य प्रयोग है, ये एक ऐसा उपाय है जिसके करने से आपकी ये समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगी।
अब यहाँ आपको एक चीज और बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, हाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दल पत्र क्या है। कमल दल पत्र बताया गया है यहाँ पे, कमल के पत्ते मत समझिएगा, कमल के फूल के पत्ते, कमल के फूल के पत्ते आपको लेना है, अर्थात पंखुड़ियां लेनी है आपको। इस चीज का आप ध्यान रखिए, कमल दल पत्र को समझिएगा। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कमल दल पत्र के बीच में, जैसे ये केसर नुमा, ये केसर की पत्तियां होती हैं, इसी के बीच में ही कमल गट्टा उगता है। कमल का बीज इसी के बीच में होता है, यहीं से कमल गट्टा जब सूख जाता है इसकी सब्जी भी बनती है और इसकी मालाएं भी बनती हैं। धार्मिक कार्यों में इसका बहुत उपयोग होता है। कमल गट्टे की माला को स्थापित करके इस माला पर श्री यंत्र को स्थापित किया जाए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। ये कमल गट्टे की माला को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी के गले में पहना के रखें। कमल की जो डंडी होती है, कमल के पत्तों की जो डंडी होती है, उसमें से एक लेयर निकलती है जो कमल नाल की रुई बताई जाती है। इसके बारे में भी अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी कमल का डोरमेंसी का पीरियड होता है। अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, गर्मी आएगी, तब पत्ते निकलने शुरू होंगे। जैसे ही पत्ते निकलेंगे, कमल दल निकलेगा, वैसे ही आपको कमल की बत्ती बनाना जरूर सिखाऊंगी, तो उसमें तो भी खैर समय लगेगा। इसी के साथ कमल का एक फूल आपको अगर मिल जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र में कमल के फूल पर विराजित माँ लक्ष्मी को पूजन करके अच्छे से छोटी सी प्रतिमा, आप जो भी आपके घर में प्रतिमा है उसे आप कमल के फूल में विराजित कीजिए। और स्क्रीन पर दिया ये मंत्र एक माला जाप कमल गट्टे की माला से अवश्य करें। धन आगमन आपके घर में होगा ही होगा, धन लक्ष्मी आपके घर में सदैव रहेंगी ही रहेंगी। फिर इसके बाद ये कमल का पुष्प आप यूं ही रखा रहने दीजिए, जब ये कमल पुष्प सूख जाए तब इसे आप उठाकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। सूखने के बाद भी इसकी आभा, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कम नहीं होता है, तो इसे इसके अंदर एक कपूर की डली रख कर इसे लाल कपड़े में बांध कर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। ऐसा मन में विचार करके कि हे माँ, मेरे घर में मेरे धन स्थान पर हमेशा आप ऐसे ही विराजित रहें, तो इस प्रकार से ये कमल का फूल आप अपने घर में सदैव रखें। फिर इसके बाद स्क्रीन पर दिया है ये यंत्र, इस यंत्र को आप भोजपत्र पर, ताम्र पत्र पर, चांदी के पत्र पर अंकित करवा के या खुद भी रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप कर सकते हैं इस कार्य को, नहीं तो आप पूर्णिमा के दिन भी ये कार्य कर सकते हैं, धनतेरस के दिन भी ये कार्य किया जा सकता है, या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये कार्य किया जा सकता है। इस यंत्र को अंकित करवा के, अंकित कैसे करना है, अगर आप भोजपत्र पर कर रहे हैं अष्टगंध से, अष्टगंध में केसर जरूर डाल लें, केसर डालकर इस यंत्र को अंकित करें। अंकित करने के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करके इस यंत्र को अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। मंदिर में स्थापित करके नित्य आप इनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। और स्क्रीन पर जो दिया है मंत्र, इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें, देखते ही देखते देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा सुख समृद्धि लाएंगी, आपके घर में स्थिर रहेंगी स्थायी रूप से। तो ये यंत्र इतना प्रभावशाली है, इस यंत्र के बीच में दिया गया है जो मंत्र, इसी मंत्र से इस यंत्र को आपने अभिमंत्रित करना है और फिर इसे स्थापित कर देना है। यंत्र की स्थापना, यंत्र जब भी अंकित करें अलग से एक पाटा लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, लाल वस्त्र बिछाकर वहां पर भोजपत्र रखें, फिर यंत्र को अंकित करें। इसी यंत्र को आप अपने व्यापार स्थान पर भी रख सकते हैं। एक साथ में अगर आप दो यंत्र भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, एक घर के लिए और दूसरा अपने व्यापार स्थान के लिए। सभी कार्य के बाद अगर आपने यंत्र को भोजपत्र पर अंकित किया है तो इसे आप लैमिनेट करवाना बाद में बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लैमिनेट नहीं करवाएंगे तो आपका ये भोजपत्र खराब हो सकता है पूजन से, या आप भी कोई सामग्री चढ़ाते हैं तब, तो इसीलिए लैमिनेट करवा के रखें ताकि वो सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार से आप ये कार्य करें। रवि पुष्य नक्षत्र का, माघ पूर्णिमा का ये दिन, ये दिव्य दिन
इतने योगों से युक्त यह प्रभावशाली दिन आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, इसी कामना इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियोस के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र।